हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो आज हम स्कीम कवर करने जा रहे हैं दैट इज पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी सितंबर में 2018 में। इसी रिसेंटली स्कीम है तो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट बार बार बात करती है फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करने की, और रूरल डिस्ट्रेस देश में ज़्यादा, जिसके लिए गवर्नमेंट किसानों की इनकम को इंक्रीज करने की बात कर रही है। तो 2018 का जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने बात करी थी कि किसानों को रेन्यूमरेटिव प्राइसेस मिलेंगे फार्मर्स को फॉर देयर क्रॉप्स। तो उसी स्कीम के या उसी रेन्यूमरेटिव प्राइसेस के इन लाइन है प्रधानमंत्री आशा, ठीक है। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ जो आपकी कैबिनेट कमेटी है उस कैबिनेट कमेटी ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दी था सितंबर में, राइट। तो इस स्कीम का जो एम है, जैसे मैंने बताया आपको, दैट इज टू एंश्योरिंग रेन्यूमरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट ऑफ 2018। तो इसी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आशा स्टार्ट करी। अब जो प्रधानमंत्री आशा है, दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम दैट इंक्लूड्स दीज थ्री स्कीम्स। तीन जो स्कीमें इंक्लूड हुई हैं आपकी प्रधानमंत्री आशा में, वन इज प्राइस सपोर्ट सिस्टम, सेकंड इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, एंड थर्ड इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम दैट इज PPPS। तो ये जो तीन कॉम्पोनेंट हैं ये इंक्लूड हुए हैं अंडर प्रधानमंत्री आशा, राइट। और इसके अलावा भी जो स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें किसानों को MSP मिलती है या फिर रेन्यूमरेटिव प्राइसिंग मिलती है, दैट स्कीम्स विल आल्सो कंटिन्यू। दीज थ्री स्कीम्स आर इन एडिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। तो सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम की, जो एक कॉम्पोनेंट है आपका प्रधानमंत्री आशा का। तो जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इसमें गवर्नमेंट बात कर रही है फिजिकल प्रोक्योरमेंट की, राइट। फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोपरा, दैट विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। और इसमें कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, दैट इज नेफेड एंड FCI, ठीक है। तो ये एजेंसीज फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेंगी प्राइस सपोर्ट स्कीम सिस्टम में, ठीक है। और जो फिजिकल प्रोक्योरमेंट में एक्सपेंडिचर होगा और जो लॉसेज होंगे आपके प्रोक्योर करने में, उसका 25% ऑफ द लॉसेज दैट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म। जब ये स्कीम लॉन्च की जा रही थी, जो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि इस स्कीम से हम किसानों से एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बस किसानों को प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पहले भी स्टेप्स लिए जिन्होंने MSP इंक्रीज करा खरीफ क्रॉप्स का, तो उन्होंने बोला कि खरीफ क्रॉप्स की जो MSP है वो भी इंक्रीज ही रहेगी, उसके अलावा बाकी स्कीम्स में भी, बाकी क्रॉप्स के लिए भी किसानों को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे और MSP लेवल के ऊपर लेके आया जाएगा, सो दैट जो उनका इनपुट आउटपुट रेशियो है दैट कैन बी कंपेंसेटेड। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में भी यही है कि अगर कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट करता है तो वो फिजिकल प्रोक्योरमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ MSP, ठीक है। और उसकी जिम्मेवारी किसको दी हुई है, नेफेड को एंड FCI को, दैट विल बी ऑपरेटिंग इन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री आशा इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। दिस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स भावांतर भुगतान योजना, ठीक है। उसमें भावांतर भुगतान योजना में और प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में भी क्या था कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जो किसान ने अपनी फसल बेची, ठीक है, MSP बेची, अब मार्केट प्राइसिंग के अकॉर्डिंग और MSP में जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस डायरेक्टली फार्मर के खाते में या डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल डायरेक्टली ट्रांसफ़र द मनी और डायरेक्टली ट्रांसफ़र द अमाउंट टू द रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर। तो ये प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश से इंस्पायर्ड है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ, PDPS इज प्रपोज टू कवर ऑल ऑयल सीड्स विच MSP बी नोटिफाइड, डायरेक्ट पेमेंट होगा डिफरेंस बिटवीन MSP एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि MSP क्या है और किसान किस पे बेच रहा है, जो उसका डिफरेंस है वो डिफरेंस किसान के अकाउंट में जमा करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है जी। अब जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट की कोई ऑप्शन नहीं है जो आपकी प्राइस सपोर्ट स्कीम में थी, राइट। तीसरा जो इसका कॉम्पोनेंट है दैट इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। अब ये जो पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहा है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या होगा,
कि स्टेट गवर्नमेंट एनलिस्ट करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को जो एमएसपी पे किसान से क्रॉप उठाएंगे या किसान से क्रॉप प्रोक्योर करेंगे। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये शॉर्टलिस्टेड या नोटिफाइड प्राइवेट प्लेयर्स ही हो सकते हैं, ये नहीं है कि कोई प्राइवेट प्लेयर जाएगा और क्रॉप एमएसपी पे उठा लेगा, राइट। नोटिफाइड प्राइवेट प्लेयर्स ही आपके क्रॉप प्रोक्योर कर सकते हैं फार्मर से। जैसे हमने पहली स्कीम में बात करी थी प्राइस सपोर्ट स्कीम में, इसमें नेफेड और एफसीआई प्रोक्योर कर रहे थे। अब पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम में इसमें प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट की बात की है गवर्नमेंट ने, राइट। जैसे इसमें लिखा है कैबिनेट हैज डिसाइडेड दैट फॉर ऑयल सीड्स स्टेट्स हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्कीम ऑन पायलट बेसिस इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। जैसे हमने बात करा कि पायलट बेसिस पे स्कीम्स हैं, स्टेट की जिम्मेवारी है क्या वो इसमें, स्टेट की डिस्क्रिशन है कि क्या वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। नेक्स्ट इज दीज डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड सिंस द अकिन टू पीसीसीएस इन दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ नोटिफाइड कमोडिटी। जैसे हमने बात करी कि उसमें भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट थी जो पीडीपीएस में नहीं थी, अब इसमें भी आपकी फिजिकल प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। द सिलेक्टेड प्राइवेट एजेंसी शैल प्रोक्योर द कमोडिटी एट एमएसपी इन द नोटिफाइड मार्केट्स ड्यूरिंग द नोटिफाइड पीरियड फ्रॉम द रजिस्टर्ड फार्मर्स इन कॉन्सोनेंस विद द पीपीएस गाइडलाइंस। ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी को नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो उसकी कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस बनाएगी, उस गाइडलाइंस को ही फॉलो करते प्राइवेट प्लेयर प्रोक्योर कर सकता है फार्मर से उसकी क्रॉप। बट वेन एवर द प्राइसेज इन द मार्केट फॉल बिलो द नोटिफाइड एमएसपी मैक्सिमम सर्विस चार्जेस अप टू 15% ऑफ द नोटिफाइड एमएसपी विल बी पेबल। कि अगर कभी ये कंडीशन आती है कि मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से कम है तो 15% ऑफ द जो चार्जेस होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाएंगे, राइट। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है डबलिंग द फार्मर्स इनकम और रेमुनरेटिव प्राइसेस की, ठीक है जी। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू।